का चुनाव संपन्न हो चुका है। जनपद अध्यक्ष के पद पर राजकुमारी सिंह और दूसरी तरफ उपाध्यक्ष पद के लिए मनोज सिंह उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। इस वक्त हमारे साथ हैं मनोज सिंह जो अभी अभी चुनाव जीत के निकले हैं उपाध्यक्ष जी के पद पर। मनोज जी स्वागत है आपका यूनियन टीम में। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं इस चुनाव प्रक्रिया के लिए शासन प्रशासन सभी को धन्यवाद देता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन का भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जिस प्रकार का इसने विश्वास मेरे जनपद सदस्य के मेंबरों ने जनपद सदस्य जो जनप्रतिनिधि चुन के जिन्होंने मेरे ऊपर अटूट विश्वास किया, मैं उस अटूट विश्वास को कायम रखने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा और हमेशा ये प्रयास रहेगा कि सबको संगठित करके और सुचारू रूप से हमारी जनपद की व्यवस्था जो हितग्राहीमूलक योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनी मैं उनको निरंतर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसको उसका उचित लाभ मिले, यही हमारा प्रयास है। मनोज जी उपाध्यक्ष पद की बात कर लें तो चार चार कैंडिडेट थे, कितने मत मिले? 15 मत मुझे मिले। विपक्ष को मिले हैं एक कैंडिडेट संपूर्ण से मिले उनको एक वो, एक जराज साहू जी थे उनको 4 वो, अर्चना शुक्ला जी थी उनको 5 वो, 5 उनको 5 वो और मुझे 25 में 15 25 में से 15। लेकिन अगर हम बात करें जनपद अध्यक्ष की तो राजकुमारी सिंह के साथ जिस तरीके से समर्थन था करीब कहते हैं कि 20 से 22 सदस्य उनको शुरू से सपोर्ट करते आ रहे थे जी, लेकिन वोटिंग के दौरान 14 ही मत निकल के सामने आए, 14 मतों से उनको उनके पक्ष में वोट डाले गए। इसके पीछे क्या कारण रहा? वो कहीं खरीद फरोख हुआ, क्या स्थितियाँ रही? नहीं, खरीद फरोख तो हम नहीं कह सकते, ये आरोप लगाना गलत है। ये सब होता है एक जो उनका विश्वास प्रेम, मैं सभी का सम्मान करता हूँ जिन्होंने वोट दिया उनका भी सम्मान, जिन्होंने जो हमारा सहयोग नहीं कर पाए अध्यक्ष पद के लिए भी कुछ नंबरों से हम पीछे रहे उसके लिए भी हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम किसी के ऊपर कोई नहीं कर रहे। क्या कहिए, कांग्रेस एक कथा दिखाई दे रही है, चाहे सियावल हो, रामपुर हो, कश्मीर हो, तिमसर हो, एक कथा क्या कारण है? जी जी, ये तो देखिए पूरे मध्य प्रदेश में क्या 2023 और 2024 देश और प्रदेश हर जगह प्राय प्राय मची हुई है और परिवर्तन की लहर है, मैं तो ये कितना ही कहूँगा। तो ये थी मनोज सिंह। मनोज सिंह के माने इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीधी जिले के सिहावल कुसमी रामपुर में ही नहीं पूरे देश और प्रदेश में ही आने वाले समय में लहर है और कहीं ना कहीं परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाहती है। अब बने रहिए जेएमपी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।